So, आज हिरण को बहुत ही ज्यादा आलस मची हुई है, चढ़ी हुई है. तो हिरण ने बोला कि अभी व्लॉग कर रहा हूँ. मॉर्निंग हो गई और मॉर्निंग में मैंने चाय भी पी ली, इसने तो खाना भी खा लिया. और ये वो अभी भी एडिटिंग कर रहा है और ये बोल रहा है कि अभी आलस चढ़ी, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा चलो मैं शुरुआत कर लेती हूँ. अगर सुबह सुबह मेरा चेहरा देख के आपका दिन एकदम मस्त हो जाने वाला है. आगे उठ के सीधी से नहा लिया इसने, इसलिए और कुछ नहीं है. मस्त हो जाने वाला है उनका, क्योंकि मैं इतनी अच्छी हूँ तो मैं क्या करूँ. ओके गाइस, आपका दिन अच्छा गया कि बुरा गया देख लेना. अब अच्छा ही गया होगा तो मैं बहुत शाम को कमेंट करना. क्यों, तुझे नहीं पता मैं लकी हूँ? रोज सुबह तू मेरे को चेहरा देखता है, वीडियो कॉल में तेरा दिन अच्छा नहीं जाता. लकी ब्रेसलेट इयररिंग सब कुछ है गाइस, ये जल रहा है. अब मेरे को काम करने दे यार. ये कर रहा है एडिटिंग और मैं भी मेरी एक वीडियो की एडिटिंग कर रही थी फोन में जो मैंने निपटा ली है. तो अब हिरण की एडिटिंग खत्म होगी, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूंगी. और तूने इसलिए व्लॉगिंग चालू किया ताकि तू खुद के वीडियो का प्रमोशन कर सके. गाइस गाइस आप लोग मेरे ना वीडियोस पे कमेंट करते हो, मेरे शॉर्ट्स और मेरे रील पे कमेंट करते हो, प्रमोशन करने का अच्छी बात है. बट वो रील और शॉर्ट्स होते हैं ना, वो मैं खुद मेरे एडिट करती हूँ. वो बारहवीं वाला वीडियो था ना, मतलब आधे से ज्यादा लोग बोले थे वाह बहुत अच्छा एफर्ट अंकिता दीदी हिरण भाई की एडिटिंग, वाह. बट वो एडिटिंग मैंने की थी यार, मैं बहुत ज्यादा बकवास कर रही हूँ ना, बहुत ही ज्यादा. ओके, तो ऐसे भी कट कर देने वाला है? हाँ बहुत सारा कट गया होगा. ओके गाइस, मैं एक तरफ है ना टाइम पे एडिटिंग खत्म करने की ट्राई कर रहा हूँ. ये देखो एक तरफ शुरू हो गया, मैंने बोला था बाद में करवाना, ये सारा ड्रॉअर और खाली करके. अरे पर मेरे को डिस्ट्रैक्ट होता है ना, फिर ये देखो यहाँ सारा कचरा निकाल कर रखा हुआ है, झाड़ू वाड़ू मरवा रही है अभी. मैं जब काम में होंगे तब फ्री होगी, तब नहीं करवा सकती थी. पर टेबल वाला काम करना जरूरी है क्या? चीजें मेरी मिसलेस कर हो जाएगी, फिर मिलेगी नहीं मेरे कोई. 5 minutes later. वाह टेबल इतना साफ हो गया, मुझे पता नहीं चला एडिटिंग करते करते कि कब ये सब हुआ. अब अगर मुझे टेबल पे से कुछ मिला नहीं तो वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ढूंढ के देगी. हाँ या ना? नहीं हाँ या ना? अगर अगर नहीं मिला तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. पर ओके डन. ये देखो प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट डबिंग कर रही है. मैंगो दूधी वाल की कोई वीडियो बना रही है. ये देखो पिछले एक घंटे से अपने भाई से वीडियो कॉल पे बातें कर रही है और हमको बाहर जाना है. इसको ये समझ में नहीं आ रहा कभी चिल्ला रहा हूँ. ओके गाइस, तो मैं हो चुका तैयार, नहा हुआ के मस्त फ्रेश हो गया हूँ. मेरा आज का सारा एडिटिंग वगैरह का काम खत्म हो गया. अंकिता पीछे है पर अंकिता मेरे से बात नहीं कर रही है क्योंकि मेरा और अंकिता का थोड़ा सा झगड़ा हो चुका है, तो वो मेरे को इग्नोर कर रही है. मैंने सोचा चलो मैं भी इग्नोर कर लेता हूँ, वो अकेली क्यों इन्जॉय करे इग्नोर करने, सही है ना? तो फिर हम लोग जा रहे हैं बाहर, बट हम बात नहीं कर रहे टेक्निकली, तो पता नहीं. आई एंजॉय इट, निकलते हैं. देखा मैंने बोला ना, अभी आपको भी इग्नोर कर रही है. सच्चा रिश्ता सच्चा प्यार मेरी तरफ से ही है आपको. हैशटैग हिरण अमीन वी लव यू नीचे मार दो. ये देखो मम्मी बैठी है अपनी दोस्त के साथ. हेलो सब सीधे बैठ गए. देखो तेरे को क्या है? मेरे को क्या पता तेरा फोन? तेरे को पता मेरा फोन? मेरे को पता सबका फोन अपने अपने आपको पता. और बसंती रुक जा, हम सब गीले हो जाएंगे वरना. अंकिता ये बसंती सब गीला कर रही है, पैंट वैंट सब इधर पे पानी उड़ा रही है. कहाँ गई तू? मेरा तो ऊंचा है, मेरा नहीं भीगेगा. अच्छा हाँ तो इसका उड़ा रही है? हाँ वो इधर पीछे से पानी उछाल रही है इधर उधर देख. बंद कर दिया. नहीं उसको ऐसा लगता है होली आई है. होली आई है? नहीं बंद कर दिया है. ऊपर से उड़ा थोड़ा, ऊपर से उड़ा, ये सब भिगा दे पैंट अकेले थोड़ी ना भिगाता है. फिर मैं बाल्टी उल्टी कर दूंगा उसका क्या? नहीं मैं गाड़ी चली जाए बाद में चालू करना, अभी नहीं करना. देखो हम लोग आज फिर से मॉल में आए हैं, थोड़ी देर के लिए काम से आए हैं एक्चुअली, पर भयंकर भीड़ है. तो एक्चुअली में अगर हमको घूमना भी हो ना तो ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे. मेरे को खाने का मन है तो शायद अकेला खाऊंगा. अंकिता का पास नहीं खा सकते और उसको घर पे ही खाना है, तो देखते क्या करते हैं. मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है. A few hours later. ये देखो मैंने सिर्फ बोला थोड़ी सी भूख लगी है मेरे को पर मैं सो जाऊंगा, पर इज्जत करने लगी रात के 1:30 बजे. 1:30 बजे पर मैंने बोला सो जाऊंगा सुबह खा लूंगा मैं. ये करके अरे बना क्या रहे मेरे लिए सर? अरे यार मेरा फेवरेट. आई हाय तो चलेगा, थोड़ी परेशान होगी चलेगा, मजाक कर रहा हूँ. नहीं बस सीरियसली मेरे को बहुत पसंद है, पर मैंने इसको बोला था इतनी रात को परेशान मत हो. अच्छा यार कसम से क्या यमी लग रहा है. अंकिता ने गार्लिक ढूंढे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर मिले नहीं, तो पर चलता है. अंकिता ने बोला मेरी गारंटी है उसके बिना भी तेरे को अच्छा लगेगा. गार्लिक मुझे लगता खत्म हो गया. बसंती ने कहीं रख दिया होगा मुझे ऐसा लगता है. गार्लिक खत्म तो नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास हमेशा स्टॉक में पड़े रहते हैं, फिर पता नहीं. और ये मेरे राइस तैयार और भाई बहुत ही ज्यादा यमी बना है. खांसी की आई भी कौन सा मसाला मेरे नाक पर मुंह में चला गया? मसाला ही नहीं होता ये खाने तो में. क्या था ये? कुछ तो मिर्ची आई मेरे. हाँ मिर्ची और हल्दी होता है. The next morning. Hey what's up guys? तो
कल तो ज्यादा ब्लॉग किया नहीं था, मैंने सोचा आज का ब्लॉग कल में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग, और वैसे भी कल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल दिन था तो ब्लॉग करने का ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि बाकी के सारे काम ज्यादा थे। तो अभी फिलहाल मैं उठ चुका हूँ, नहा चुका हूँ, ये तो बहुत बहुत ज्यादा जल्दी उठ चुकी थी और मुझे लगी भूख, तो पहले खाना खाएंगे उसके बाद एडिटिंग करेंगे। तो आज के एडिटिंग का काम मैंने कल आधा कर लिया था तो मुझे आज आधा ही करना है, बाकी क्या करेंगे अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो पहले खाना खा लेते, बाद में मेरा दिमाग चलेगा। गुड मॉर्निंग, तो प्लान थोड़ा सा डिले किया है कि मैंने सोचा कि चलो यार 2 बजने वाली है, उससे पहले मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ क्योंकि हमको थोड़ा सा बाहर भी जाना है। थोड़ा सा नहीं, पूरा ही जाना पड़ेगा। नहीं थोड़ा कैसे जाएंगे बाहर, ऐसा एक 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 इतना पाँव कैसे जाएगा बाहर। नहीं अरे सॉरी रख दे, कोई बात नहीं सॉरी, मतलब मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि ऐसे एक पैर कैसे जाएगा बाहर। चलो एडिटिंग खत्म कर लेते पहले, मतलब हो गया बस अपलोड करने रखा हुआ है। हेलो, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, मतलब गुड आफ्टरनून। खाना निकालना, कुछ खाने में है मूंग की दाल और रोटी। ओके तो मेरी का एडिटिंग बाकी है पर कुछ काम से हम बाहर निकले थे। मैं थोड़ी देर के लिए घर पे सो गया था और उसके बाद थोड़ा बिग बॉस का ऐसा टाइम पास किया, और उसके अलावा क्योंकि एक्चुअली आज है ना उनके सारे पेरेंट्स वगैरह ना तो बहुत इंटरेस्ट है। और क्या है, 1 आवर वाले जो एपिसोड होता है ना उसमें इतना ज्यादा नहीं डिटेल में नहीं आता जितना लाइव में आता है, तो कभी कभी मजा आती है ऐसे टाइम पास करके देखने के लिए। क्या यार, एक तो तू अब ये मेरे को पूछती है उसको आया कौन आया, कोई आया क्या? एनीवेज हम लोग हाईवे पे खड़े हैं, अंकित ने मंगाई है चाय क्योंकि वो खाएगी नहीं क्योंकि उसका फास्ट है, और मैं खाने वाला हूँ तड़काए वाली मैगी यार, बहुत अच्छी होती है अंकित सच में यार, तो ठूस लेते थोड़ा। वाह, सबसे पहले अंकिता की चो आ गई। चो एक्चुअली ना हर जगह पे ना चाय ऑलरेडी रेडी होती है पर अंकिता को इसलिए लेट मिलती है क्योंकि इसकी एकदम कम शक्कर वाली चाहिए, तो रेडी वाली ये ले ही नहीं सकती। चीनी भीला भी दे दोगे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आराम से पी सकती, पर अगर इतनी से भी बढ़ गई ना तो मैं नहीं पी पाती। ये सारी चीजें पता है ना गाइस, अमीरों वाले चौंच ले। ऐसा नहीं, मैं एक्चुअली और कुछ नहीं है, मेरे पापा कहते हैं, पापा को शुगर दे, मेरे पापा है ना चीनी बिना ही पीते हैं और कभी उनकी इच्छा होती है ना तो इतनी सी चीनी लेते हैं, तो उनकी जो बचती चाय थी ना वो मैं पीती थी, तो मुझे वैसा ही टेस्ट डेवलप हुआ है चाय का। ला मैं पी के देखता हूं। नहीं मेरा फास्ट है, तू नहीं पी सकता। ओ भाई फाइनली चलो हमारी मैगी भी आ गई, रखो ना वेट रहे थोड़ी देर। अच्छा ये तो बता कितनी मस्त सुगंध आ रही है तड़का मैगी की। नहीं मेरे नाक बंद है, मुझे नहीं आ रही। मेरी तड़का मैगी आ गई है, ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया है तो खा के दिखाने की जरूरत नहीं है, खा लेता हूँ। ओ भाई साहब भयंकर वाली बारिश, और घर पे जैसे बैठे तब तक बारिश नहीं थी, जैसे गाड़ी में बैठे तो वैसी बारिश शुरू, अचानक ही बहुत भयंकर वाली बारिश चालू हो गई, वो मैं जो ऊपर से आवाज की वही से। तो फिलहाल नया अपडेट ये है कि मेरे दोनों कैमरे में से अभी तक एक का भी कोई एकदम ठोस अपडेट नहीं है, और दूसरी बात है कि हम लोगों को जाना है अल्फा वन मॉल क्योंकि वहाँ पे हमने जो रॉनिन दिया था उसका कुछ फोन मतलब कॉल बैक आया नहीं, तो पूछने के लिए भाई क्या अपडेट है, आप चेक कर लिया कि नहीं। हाँ बार बार पूछ रही थी कि आया, कल भी पूछ रही थी, बड़ा संडे था, मैं सुबह से बोली दोपहर के बाद हो गई, दोपहर हो गया, अभी इतना टाइम थोड़ी ना लगता, इतना टाइम नहीं। एनीवेज तो बस वही अपडेट लेने के लिए जा रहे हैं, होपफुली हम पहुंचेंगे तब तक शॉप खुली होगी, वैसे तो टाइम है अभी पर बारिश की वजह से पता है किसी ट्रैफिक जाम में फंस जाए तो अलग बात है। और एक और चीज़ आपको किसी और की भी आवाज़ें आ रही होंगी, वो है ये पूजा आंटी अपनी, क्योंकि एक तरफ बिग बॉस लगा रखा है, देखो इस तरह से हम बिग बॉस इतना एडिक्शन नहीं है कि हम ऐसे देखते हैं, पर 24 आवर्स का इसलिए अभी आज लगाया हुआ है क्योंकि पहले भी आपको जैसे बताया सबकी फैमिली जा रही है ना, तो मैं मिस नहीं करना चाहता कि यार एल्विश की मॉम यार अभिषेक की फैमिली में से कोई आए, तो वो सीन मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ उन दोनों के लिए मैंने इतना चालू रखा हुआ है दैट्स इट, क्योंकि क्या लाइव में सारी चीजें दिख जाएंगी, उसके बाद अगर जब एपिसोड में आएगा तब तक काट फूट के आएगा। अच्छा अच्छा सब काट देंगे वो लोग क्योंकि बायस तो है ही अपना बिग भैया मेकर वाला, मैं गाड़ी चला लो तू जाऊँ, अरे कोई आया घंटी बजी पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ मोस्ट एक्साइटेड एलविश और अभिषेक है, चलो अभी तो टाइम लगेगा उनको सब एडजस्ट करेंगे वो अपना टास्क वास, और उसके बाद मैं बताता हूँ कौन आया जब हमने देखा कौन आया है, कौन आया रो रे यार बाप रे इमोशनल मोमेंट। हाँ तू अभी मत रो, पर यहाँ पे उसकी बहन रो रही है, यहाँ पे तू रो रही है, यहाँ पे बाहर बारिश हो रही है, यार बहुत इमोशनल मोमेंट है, मम्मी आई है उसकी। हाँ यार मैं पता है मेरी इच्छा थी कि उसकी मम्मी आए, पता है मैंने बोला भी था कि यार उसकी मम्मी आनी चाहिए है ना, क्योंकि है ना उसकी मम्मी और उसका बहुत गहरा अटैचमेंट है।
यार बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल सीन है यार अभिषेक और उसकी मॉम का। सीरियसली मैं मेरे को यहाँ पे दुख हो गया। मैं जब हॉस्टल में था ना तब जब मम्मी पापा मिलने आते थे ना वो वाला सीन याद आ रहा है मेरे को कसम से। ब्यूटीफुल। चलो हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद मॉल फिर से। यार मैं मॉल में जाने के लिए बड़ा बदनाम हो चुका हूँ पता नहीं ऑनलाइन काम होता है आज नहीं आए। और मैं ये तो बोल नहीं सकता यार मॉल जा रहे तो शूट नहीं करेंगे। अंकिता ने बोला था यार मॉल में शूट नहीं करेंगे अब। मैं नहीं यार जाते हैं कुछ काम से आते हैं तो फिर शूट तो करना पड़ेगा ना वरना ब्लॉग कैसे करूंगा मैं। जो करते हैं वो दिखाते हैं। एक तो ये लोगों ने इतना अजीब किया ना कि ये वाला कॉम्प्लेक्स घुमाने के लिए बीच वाला एक सीधा रास्ता था दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए वो इन्होंने कर दिया बंद। तो अब यहाँ को कंपल्सरी यहाँ से वहाँ जाना हो ना तो यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। पर टेक्निक अच्छा है इस बार ने यहाँ पे भी थोड़े लोग आएंगे उनको एटलीस्ट पता चलेगा यहाँ पे वेस्ट साइड है H&M वगैरह इस साइड है। ये देखो इस तरह से इन लोगों ने यहाँ की एंट्री मंगर दी। मैं तो किसी दिन दिमाग हटेगा ना मैंने ऐसे पेड़ों के बीच में से कूद के आ जाऊंगा। मैं ना हमेशा एक्सकेलेटर में अंकिता से एक या दो कदम ऊपर खड़े रहता हूँ ताकि मैं इसको बता सकूँ देख अपनी हाइट भी ज्यादा है ठीक है इतनी ज्यादा है बहुत ज्यादा है लेकिन मैं पहुंच गया। चलो पहुंच गए यहाँ पे रोनिन का अपडेट ले लेते हैं कैसा लगे डिस्प्ले में लगा दिया हो तो। हम लोग यहाँ पर आए थे तब इसी की टेस्टिंग चल रही थी और हमारे आने से थोड़ा सा इनको इजी हो गया समझने में कि क्या टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। ओके गाइस तो हम इनको मिले दूसरी बार और सच में ये वन ऑफ द इंस्पिरेशन भी है मेरे लिए कि हम लोगों ने वीडियोस क्यों कंटिन्यू रखे थे। पहले तो ऐसे हंसी मजाक के लिए करते थे पर इनकी लाइफ में मैं अभी पूरी स्टोरी नहीं बता सकता क्योंकि प्राइवेट है। पर इनकी लाइफ में जब पता चला ना कि हमारे वीडियोस की वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट आया है तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि नहीं यार अगर इंपैक्ट लोगों की लाइफ में आ रहा है तो हमको कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड सीरियसली इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू अगेन। हम लोग पिछले एक डेढ़ घंटे से बात कर रहे हैं यहाँ पे डेढ़ घंटा पता नहीं चला निकुल का फोन आया मैं घर पे बैठा हूँ क्या कर रहे हो मैं बोला आता हूँ 10 मिनट। तो हम लोग इन लोगों से बात कर रहे थे और इन लोगों से बात करते करते हमको इतना ज्यादा लेट हो गया कि एक घंटे से यहाँ पे पार्किंग में हमारा वेट कर रहे थे और हमको बुरा लग रहा था यार इतने देर से वेट कर रहे थे जिधर पूरी टीम खड़ी है। भाई साहब 10 बजने वाली है और हम लोग अभी रास्ते में घर जा रहे हैं और अंकिता की शक्ल देखो कैसी छोटी सी हो गई है। नहीं कोई छोटी नहीं झूठी। और इसका रीजन ये है कि अंकिता का फास्ट चल रहा है सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है एंड इसका डिनर टाइम कब से जा चुका है। अभी अगर और 2 घंटा अगर वेट कर लेगी नहीं ये तो कल का दिन हो जाएगा पूरा दिन बदल जाएगा। फिर बोलेगी नहीं अब आज का पूरा दिन उपवास खत्म। पता नहीं हमने आज कुछ नहीं किया सिर्फ बातें की ना उनके साथ बहुत सारी बातें। हिरन ऐसा ही पर्सन है जब वो एक बार बात करना शुरू कर देता है ना तो करता ही रहता है इतनी बातें कर सकता है। ये बात टोटली गलत है। मैं तो काफी सारे सब्सक्राइबर्स हम लोग मिलते हैं ना जो लोग बात करते हैं मैं तो बात करता रहता हूँ फिर सिवाय के अगर कुछ काम के लिए लेट है या अर्जेंट ना हो। हाँ, हिरन भूल जाता हूँ फिर इसलिए स्पेशली राजन भाई बोलता है कसान भाई एक बार तुमको नहीं आना तुम बहुत बात करते हो। अरे हाँ पता है राजन भाई ने हमको ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं 7 बजे के बाद आपको आने का नहीं। मैं भले 8 बजे दुकान बंद करता हूँ क्योंकि आप आओगे तो हमारा 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा चला जाएगा 8 बजे के बाद और फिर लेट हो जाता है मेरे को घर जाने में। तो आपको है ना 7 बजे के बाद नहीं आने का दोपहर को या शाम को आने का। लास्ट टाइम जब हम वार्निंग दी थी तो अभी हम डायरेक्टली पहुंच गए थे फिर भी हमने उनका आधा घंटा बिगाड़ दिया था जानबूझ के नहीं पर वो बातें करते करते बातें निकल गई। तो बातों में इतनी मजा आई कि इतनी बातें की हमने बस बातें ही बातें की। निकुल आधा घंटा वेट कर चुके हैं यहाँ पे। ये देखो अंकिता खाना गर्म कर रही है। क्या है खाने में? दाल फ्राई रोटी राइस और भिंडी की सब्जी है। सिर्फ भिंडी आलू भिंडी वो नहीं खाना मेरे को। भिंडी आलू भिंडी अरे वाह मजा आ गई। किधर है? अरे मजा आ गई खाने की। आज लंच वाली मजा डिनर में मिलेगी मेरे को। तू खाएगा ना दाल राइस या रोटी? रोटी खाएगा थोड़ी दाल राइस ठीक है। तू क्या सोच रहा था इतना ज्यादा? अंकिता तू पूरे दिन के बाद अभी डिनर के लिए बैठी हो सबसे पहले तूने चूज किया क्या खाने का? मकई और वो भी सीधे सीधे तोड़ के काहे? और अंकिता ने मेरे को देखो कितना कंप्लीट डिनर मेरे को निकाल के दिया हुआ है। फीलिंग सो प्राउड। रोटी इधर है उतना तो तू ले सकता है यार। कभी लिया आज तक? पहली बार। मेरे को देना चाहिए निकाल करके। ओए ये एक्सपेक्टेशन जो वहां जा रही है ना वो यहाँ ले आ वापस ठीक है। ओके तो मेरा एडिटिंग वगैरह हो चुका है खत्म। बहुत रात को लेट हो चुका है 1:30 बजे ना 1:30 हो रही है ना 2 बजे 1:30 हो रही है। अंकिता सारी पानी की बोतल लेकर के रख रही है ताकि कल हमको ठंडा पानी मिले। और या अभी अंकिता जाएगी अपने रूम में सोने और मैं जाऊंगा अपने रूम में सोने। एंड गुड मॉर्निंग आप लोगों को मेरे लिए। गुड नाइट। गुड नाइट।